देवघर के शर्मा हाई स्कूल मैदान स्थित रंगमंच पर झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख के विवेकाधीन कोटे की राशि का बैंक ड्राफ्ट लाभार्थी के बीच जिला अध्यक्ष मुन्नम संजय के हाथों वितरण किया गया। आज माननीय कृषि मंत्री इस दरमियान जिला अध्यक्ष ने कहा कि मंत्री जी के विवेकाधीन कोटे से पूरे राज्य भर में 30 लाख रुपए का भुगतान किया गया। कोरोना काल में जिनका घर उजड़ गया, जिनके परिवार के लोग काफी दुख में थे, तकलीफ में थे, बीमारी से जूझ रहे थे, मानवीय आधार पर अपने निधि से यथासंभव लोगों को मदद करने का प्रयास किया है। एक ऐसा पहल है जो एक पहली बार देखने को मिल रहा है। हम तो पहले ये भी नहीं जानते थे कि कोई मंत्री को विवेकाधीन कोटा में इतना फंड किसी जरूरतमंद को दिया जा सकता है, लेकिन जो उन्होंने पहल किया है वह एक ऐतिहासिक कदम है और संवेदनशील सरकार की सबसे बड़ा ये परिचायक है कि अभी इस कोरोना काल में जो हमारे साथी गुजर गए हैं, किसी परिवार के लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें अपना सहयोग देकर, उन्हें सांत्वना देकर एक ऐसा कदम उठाने का काम किया है जो काबिले तारीफ है और क्षेत्र के लोग इस चीज से काफी खुश हैं।